नमस्कार, सत्यात्रा न्यूज में आप सभी का स्वागत है। इंटरमीडिएट में 94.2% अंक पाकर खुशी दुबे ने बढ़ाया 96 का मान, जनपद में आया तीसरा स्थान। उत्तर प्रदेश बोर्ड का हाईस्कूल इंटरमीडिएट परीक्षा 2023 का रिजल्ट घोषित हो गया है, जिसमें हाईस्कूल में कुल 89.78% परीक्षार्थी पास हुए और इंटरमीडिएट में 75.52% परीक्षार्थी पास हुए। मिर्जापुर जनपद के चमेला देवी स्मारक इंटरमीडिएट कॉलेज भटेवरा कलंग की छात्रा खुशी दुबे 500 अंकों में से 471 अंक यानी 94.2 अंक पाकर क्षेत्र और स्कूल का नाम रोशन किया है। विद्यालय के प्रबंधक रामनाथ गुप्ता ने बिटिया को मिठाई खिलाकर और माल्यार्पण कर शुभकामनाएं दी। आपको बता दें कि इस विद्यालय में अध्यापकों के कठिन परिश्रम और सुसंस्कार के बदौलत खुशी दुबे सेंट्रल टॉप के अलावा 96 में पहला स्थान और जनपद में तीसरा स्थान प्राप्त किया है। कॉलेज के सभी अध्यापकों ने भी मिठाई खिलाकर प्रसन्नता व्यक्त की। छात्रा के माता पिता भी मिठाई खिलाकर और माल्यार्पण कर प्रसन्नता व्यक्त की और खुशी दुबे ने बताया कि आगे चलकर UPSC की तैयारी करेगी। छात्रा के माता पिता मीना देवी और अंजनी दुबे और क्षेत्र के लोग भी काफ़ी प्रसन्न दिखे। अर्चिता यादव 436 अंक पाकर दूसरे स्थान पर, कृष्णराज यादव 432 अंक पाकर तीसरे स्थान पर रहे। यही पर चमेला देवी स्मारक इंटरमीडिएट कॉलेज में हाईस्कूल की ज्योति यादव बिरोही ने 600 में से 545 अंक पाकर विद्यालय में प्रथम स्थान रही और कनिष्का गुप्ता 541 अंक, कशी सगरी 536 अंक पाकर विद्यालय में दूसरे और तीसरे स्थान पर रहे। सत्ययात्रा न्यूज से आशुतोष और बाकी खास खबर, धन्यवाद। मेरा नाम रामनाथ गुप्ता, चमेला देवी स्मारक इंटरमीडिएट कॉलेज भटेवरा कलना विजयपुर प्रबंधक। आज आपके कॉलेज की एक लड़की जो है जनपद में तीसरे स्थान पर आई है, इस खुशी पर आप क्या संदेश देना चाहेंगे? हमें अपार खुशी हो रही, जो कि हमारे अध्यापक बंधु के अथक मेहनत से आज हमारे विद्यालय में यह स्थान प्राप्त हुआ। हम इसके लिए गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं कि हमारे विद्यालय में ऐसे ही स्थान बना रहे, जिससे कि अगर पिछले वर्ष हम प्रयास यही करेंगे कि हमारे अध्यापक अथक मेहनत करके हम UP में स्थान प्राप्त। जिन अध्यापकों के कठिन परिश्रम से ये संभव हो पाया है, उन अध्यापकों के लिए क्या कहना चाहेंगे? हम उन अध्यापकों के लिए ही बहुत धन्यवाद देते हैं कि वो मेहनत करते रहें और इस मुकाम तक प्राप्त करें, और उनको भी जो भी सहयोग हो हम उसको प्रदान करने की कृपा। आगे जो बच्चे आ रहे हैं फिर 9th में 10th में 12th में, उनके लिए क्या कहना चाहते हैं? उनके लिए हम कहना चाहते हैं कि वो मेहनत करें और हाई स्कूल के जो बच्चे हैं मेहनत करें, जिससे कि वो लोग भी UP में स्थान प्राप्त करें। मेरा यही आशीर्वाद। धन्यवाद। क्या नाम है आपका? खुशी। खुशी जी, आप जो है किस क्लास पढ़ती हैं? क्लास 12 में। आज UP बोर्ड का रिजल्ट आया है, कैसा रहा रिजल्ट आपका? बहुत बढ़िया, मुझे खुद नहीं पता था मेरा मार्क्स इतने अच्छे आए। सब मेरी मम्मी पापा और मेरे टीचर्स की वजह से हुआ है। ये लोगों ने इतना अच्छा पढ़ाया, मुझे हमेशा सपोर्ट किया। क्या आपको लगता था कि आपका इतना अच्छा रिजल्ट आएगा? मुझे 85 क्रॉस मुझे पता था 85 क्रॉस आएगा, लेकिन 90 क्रॉस होगा ये इतना पढ़ाया कि नहीं था मुझे। जनपद में आप जो है तीसरे स्थान पे आई हैं, क्या आपको कभी अपने सपने में सोचा था कि जनपद में आपका स्थान आएगा? मैं सपने में हमेशा सोचती थी काश मैं भी न्यूज़पेपर में आऊँ, मेरा भी ऐसे मुकाबले, लेकिन आज आया, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। किसको श्रेय देना चाहेंगी आप? मम्मी पापा और टीचर, और सबसे अधिक अपने पापा को। आगे चलकर के आप क्या करना चाहेंगे? मैं डॉक्टरेट की पढ़ाई करना चाहती हूँ। मैंने नीट का फॉर्म भरा है, 7 तारीख को एग्जाम है, उसके बाद मैं डॉक्टरेट की पढ़ाई करना चाहती हूँ BBS के बाद। प्राथमिक शिक्षा आपने कहाँ से प्राप्त किया था? यही बगल में CDS सेवा पब्लिक स्कूल है, वहाँ से। पिताजी क्या करते हैं? पिताजी का कृषि है। आपका? ज्योति जी किस क्लास पढ़ती हैं? 10th। आज जो है रिजल्ट आया है, क्या आपका रिजल्ट है? मैं अपने रिजल्ट से बहुत सेटिस्फाइड हूँ। मैंने बहुत मेहनत किया था, मेरे मम्मी पापा ने मुझे बहुत सपोर्ट किया, मुझे फ्री रखा था, इसके अलावा मुझे और कोई भी काम नहीं दिया, मेरे टीचर्स ने भी बहुत योगदान दिया। कितने घंटे पढ़ाई करती थी आप? लगभग 6-7-8 घंटे पढ़ती थी डेली। क्लास लेती थी हमेशा? हाँ। कितने मार्क्स आए हैं आपके? 90+। आगे चलकर क्या करना चाहेंगे? आगे चल के मैं UPSC क्लियर करना चाहती हूँ। 90% आपका आया है, 90+ है, तो किसको श्रेय देना चाहेंगे आप? मैं अपने टीचर्स, अपने घर वाले, पेरेंट्स, सभी बहुत मेरा मुझे हेल्प किया मेरी पढ़ाई में। सबसे ज़्यादा मेरी मम्मी ने मुझे कोई भी काम नहीं करने दिया,
पढ़ाई के लिए मुझे बिल्कुल फ्री रखा। आगे चलकर क्या 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 करना चाहेंगे? मैं यूपीएससी क्लियर करना चाहती हूँ। धन्यवाद। भाई है इंटर में, क्या कहना चाहती हैं? बहुत खुश हूँ इनके पढ़ाई से, और अब जो पढ़ेंगी वो पढ़ाएंगी, जो करेंगी वो कराएंगी। क्या आपको लगता था कि आपकी बेटी आज इतना बड़ा मुकाम पे पहुंच पाएंगे? लगता नहीं था, पर भी भोलेनाथ की कृपा से हो गई। लेकिन शुरू से बचपन से ही बहुत अच्छा पढ़ाई पढ़ती थी। बिटिया आगे चल करके आईएएस बनना चाहती है, कितना सहयोग रहेगा आपका? पूरा पूरा सहयोग रखेगा, जब ये बनेगी तो पूरा करेंगे सहयोग। जी आज आपकी बिटिया जिले में तीसरा स्थान और 96 में पहला स्थान पाई है इंटर में, क्या कहना चाहते हैं बिटिया के भविष्य के लिए? मेरी बिटिया अच्छी पढ़ाई करती है, उसका पढ़ने में काफ़ी इंटरेस्ट है, और मेरा प्रयास रहेगा कि आगे जितना भी उसका अच्छा जो भी कोर्स होगा उसका मन, मतलब जितनी पढ़ाई करेंगे उतना पढ़ाई कराएंगे, उतना पढ़ाई कराएंगे। उसका आईएएस या डॉक्टर बनने की इच्छा है, क्या उसका पूरा होगा? आगे प्रभु जाने, हमारा प्रयास पूरा रहेगा। जी जिस विद्यालय में ये जो स्थान पाई हैं, क्या लगता है कि उस विद्यालय में पढ़ाई अच्छी हो रही है? भाई पढ़ाई होती होगी तभी ना रंग हासिल कर पाई। कोचिंग वगैरह बच्चे की? हाँ कोचिंग भी कराते थे।